रिपोर्टर और रिपोर्ट एक्सक्लूसिव। सोशल मीडिया से मानवता का परचम फहराया, मजबूर बेबस लाचार मां को मिला सहारा। बीबीएन के पत्रकार को धन्यवाद, पत्रकारिता हुई निहाल। समाजजनों, समाज सेवी संस्थानों सहित मुख्यमंत्री ने भी लिया संज्ञान। पहले देखिए वीडियो क्लिप, फिर पूरी रिपोर्ट। घर तो ले जाऊ, मैं ले जाऊ इसने घर। या देखो भाई, आजाद नगर की है या घटना, या देखो एक आंटी ने और आपकी सासू 80 साल की बुजुर्ग लुगाई बाहर काट दिया बेटी। कोई बात ना माता, चिंता ना करे। वीडियो क्लिप देखकर ही आप समझ गए होंगे कि उस अत्याचारी स्वार्थी बहू ने अपने 80 साल की बुजुर्ग बेबस सास को घर से बाहर निकाल दिया। सैल्यूट है भारत ब्रेकिंग न्यूज बीबीएन के पत्रकार को, जिसने अपने फेसबुक पेज पर यह वीडियो शेयर किया और पूरी रिपोर्ट बतलाते बेबस बुजुर्ग महिला को न्याय और सम्मान दिलाया। सोशल मीडिया पर जैसे यह वीडियो वायरल हुआ, हिसार पुलिस हरकत में आई और पुलिस द्वारा वीडियो की जांच करने पर पाया गया कि यह वीडियो आजाद नगर हिसार का है। एसपी बलवान सिंह राणा ने मामला संज्ञान में आते ही थाना आजाद नगर हिसार को तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके पालना में थाना प्रभारी आजाद नगर जब घटनास्थल विराटनगर में मौके पर पहुंचे तो उन्हें वृद्ध महिला अपने दूसरे बेटे के पास गली में बैठी हुई मिली। थाना प्रभारी द्वारा पूछताछ करने पर वृद्ध महिला ने अपने बयान में बताया कि मेरा नाम छन्नो देवी, पति गोपाल दास, विराटनगर हिसार, मेरे 3 लड़के हैं और ये तीनों लड़के सरकारी नौकरी से रिटायर है। मैं शुरू से ही लड़के बागमल पटवारी के साथ रहती हूँ। मेरी पुत्र वधु शकुंतला, पत्नी बागमल पटवारी, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करती थी। मेरे बेटे और बहू में लड़ाई न हो जाए इस कारण मैं झगड़ा होने की बात किसी को नहीं बताती थी। मेरी पुत्र वधु शकुंतला ने मेरे लड़के बागमल पटवारी को भी घर से बाहर निकाल दिया और उसके पश्चात मेरे ऊपर जुल्म करने लगी। मुझे 2 दिन कमरे में बंद रखती और खाने पीने की चीज भी नहीं देती थी। मेरे साथ मारपिटाई व गाली गलौज करती थी। 2 दिन पहले मंगलवार को मेरी पुत्र वधु ने मुझे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया व मेरे कपड़े गली में फेंक दिए। वो तो किसी अनजान व्यक्ति ने मेरा वीडियो बना दिया। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी पुत्र वधु शकुंतला के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वृद्ध महिला छन्नो देवी, पति गोपाल दास की शिकायत पर थाना आजाद नगर हिसार में अत्याचारी बहू शकुंतला के खिलाफ IPC के धाराओं के तहत अभियोग अंकित कर शकुंतला को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अत्याचारी बहू शकुंतला को जेल भेजने के बाद भी भारत ब्रेकिंग न्यूज BBN के पत्रकारों द्वारा इस मुद्दे पर बराबर रिपोर्टिंग कर बुजुर्ग महिला को न्याय और सम्मान दिलाने के लिए भरपूर प्रयास किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप बुजुर्ग महिला को सम्मान उसके बड़े बेटे के साथ रखना तय हुआ और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा बराबर उनकी देखभाल का आश्वासन मिला। रिपोर्टर एवं रिपोर्ट ऐसे सोशल मुद्दों को जनता के बीच उठाने और उनको सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारत ब्रेकिंग न्यूज BBN के पत्रकारों को धन्यवाद दे उन्हें सैल्यूट करता है। यह इन तथाकथित हुल्लड़बाज पत्रकारों न्यूज चैनलों के बीच एक मिसाल है और उम्मीद करता है कि हुल्लड़बाज भी अपने जमीर को जगा पत्रकारिता के सिद्धांतों के अनुरूप चलने के लिए प्रेरित होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग पालन के साथ पहनना है मास्क। स्पेशल रिपोर्ट एवं यूनिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।